हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ हैलाइड, मतलब हेलोजन से है। यहाँ पे जो हेलोजन होते हैं, हेलोजन का नामकरण IUPAC सिस्टम के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप पहले ही बता चुकी हूँ। जो फंक्शनल ग्रुप होता है हेलोजन का, तो हेलोजन जो हैं, जैसे कि सबको पता है कि चार हेलोजन होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक्स से शो किया है। एक्स का मतलब जो है वो क्लोरो हो सकता है, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमो हो सकता है, फ्लोरो हो सकता है, आइडो हो सकता है। इनको जो इनके लिए जो प्रीफिक्स हैं, प्रीफिक्स वो यूज़ करते हैं हम क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, ये इनके नाम के आगे हम लगा देते हैं। तो इनका जो है बहुत ही सिंपल नोमेनक्लेचर है। तो इनका जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं, तो जो भी कार्बन चेन के साथ में जो भी हेलोजन जुड़ा हुआ होगा, उसी का हम प्रीफिक्स लगा देंगे। कि क्लोरो जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरो लगा देंगे, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो लगा देंगे, एफ लगा हुआ है तो फ्लोरो, आई लगा हुआ है तो आइडो लगा देंगे। तो जैसे कि किस तरीके से करते हैं, CH3 CH2 Cl दिया हुआ है, तो यहाँ पे Cl दिया हुआ है यानी कि क्लोरो दिया हुआ है। तो सिंपली इसका नाम, क्योंकि प्रीफिक्स है यानी कि पूर्व लग्न पहले नाम के लगाना है, तो इसका नाम जो है किस तरीके से लिखेंगे, क्लोरो। अब दो कार्बन एटम की चेन है तो क्लोरो इथेन नाम हो जाएगा। मान लिया लगा हुआ है CH3 CH Cl CH2 CH3। तो जिधर से क्लोरो ग्रुप पास में पड़ रहा है, नंबरिंग के रूल्स सारे वही सबके लिए सेम अप्लाई होते हैं। तो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-क्लोरो ब्यूटेन, 2-क्लोरो ब्यूटेन। मान लिया क्लोरो लगा हुआ है Cl CH2 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 Cl, यहाँ पे दो जगह पे लगा हुआ है क्लोरो। तो नंबरिंग किधर से भी करें, बात वही है, 1 2 3, इधर से भी करेंगे तो भी नाम सेम वही आएगा। तो पहली पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है तो 1, 3 पोजीशन पे लगा हुआ है 3, डाई क्लोरो, 3 कार्बन एटम की चेन है तो प्रोपेन। इसी तरीके से मान लिया दिया हुआ है कि CH3 CH एक तरफ लगा हुआ है ब्रोमो, एक तरफ लगा हुआ है क्लोरो CH3। तो यहाँ पे देखने दो ग्रुप आ गए हैं हेलोजन के, एक तरफ ब्रोमो और एक तरफ क्लोरो। तो यहाँ पे ABCD में आप देखेंगे कि ब्रोमो जो है वो क्लोरो से पहले आता है। तो इसका ना इसकी नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से ब्रोमो पास में पड़ रहा है। तो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-ब्रोमो 3-क्लोरो। 4 कार्बन एटम की चेन है तो इसलिए ब्यूटेन नाम हो जाएगा इसका। या एग्जांपल दिया हुआ है, अगर CH3 CH Br CH Br CH3 CH2 CH3, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, क्योंकि अगर हम इधर से करेंगे तो इन दोनों का जो सम है वो ज़्यादा आएगा, अगर हम इधर से करेंगे तो इन दोनों का सम जो है वो कम आएगा। तो नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि दोनों ही इधर पास में पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सेम आइडेंटिकल ग्रुप है, तो पहले पोजीशन लिख लेनी है, 2, 3, 2 है इसलिए डाई ब्रोमो, 5 कार्बन एटम की चेन है इसलिए
पेंटेन। तो यहाँ भी अभी क्लोरो या ब्रोमो लगा दिए, इनकी जगह पे आप फ्लोरो आइडो भी लगा सकते हैं। तो बस जहाँ पे एफ आएगा वहाँ पे फ्लोरो लगा देना है, जहाँ पे आई आएगा वहाँ पे आइडो लगा देना है। तो इस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर कर देना है। एक एग्जांपल और बताती हूँ आपको, CH3 BR ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी दो क्लोरो और दो ब्रोमो लगे हुए हैं। तो ABCD में ब्रोमो पहले आते हैं, तो नंबरिंग हम इधर से कर देंगे 1, 2, 3, 4। और इनका जो नोमेनक्लेचर है वो किस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि दो टू पोजीशन पे ही दो ब्रोमो लगे हुए हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले 2, 2 लिखेंगे। दो लगे हुए हैं इसलिए डाई ब्रोमो। उसके बाद 3 पोजीशन पे दो क्लोरो लगे हुए हैं, तो क्या करेंगे 3, 3। यहाँ पे भी दो लगे हुए हैं इसलिए डाई क्लोरो। और 4 कार्बन एटम की चेन है तो ब्यूटेन, ये इनका नामकरण हो जाएगा। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सिंबल है उसके लिए हम क्या नाम यूज़ कर रहे हैं। कि अगर कार्बन चेन के साथ में सीएल ग्रुप लगा हुआ है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि हमें यहाँ पे क्लोरो लगाना हुआ है। अगर बीआर लगा हुआ है तो यानी कि ब्रोमो लगाना हुआ है। अगर एफ लगा होगा तो समझ जाना है कि फ्लोरो लगाना है। आई लगा हुआ है तो आइडो लगाना है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, उनका नाम याद रखना है। और सिंपली आपको कार्बन चेन के नाम भी याद रखने हैं, कि जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पहले वीडियो में ही बताया था नोमेनक्लेचर की, कि अगर एक कार्बन एटम की चेन है तो वो मीथेन हो जाएगा पेरेंट एल्केन, 3 कार्बन एटम की चेन है तो प्रोपेन हो जाएगा, 2 की है तो इथेन हो जाएगा। तो वो टेबल आपको सबसे पहले याद रखनी, क्योंकि जब वो टेबल ही नहीं याद होगी आपको तो फिर आपको नहीं याद होगा। तो ये इस तरीके से सिंपली जो इनका नाम मतलब IUPAC नेम जो है वो हेलाइट्स का वो हेलो एल्केन हो जाता है। IUPAC नेम जो है वो इनका हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन से मतलब इनका ये है कि हेलो की जगह क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो आ जाते हैं। तो क्लोरो इथेन क्लोरो मीथेन ब्रोमो इथेन ब्रोमो प्रोपेन फ्लोरो ब्यूटेन, इस तरीके से इनका नाम हो जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।